जैसे लालू प्रसाद यादव के फैमिली के बारे में कि उन्होंने उनकी बेटी ने उनको किडनी दिया, और यहाँ पे लालू यादव जो है बहुत पिछड़े वर्ग है और जो भी वर्ग है उनको सब बराबर माना है और उनके लिए कुछ करना चाह रहे हैं, और ये बहुत अच्छा फिल्म है। चाहता हूँ कि बड़ा घराना मुख्यमंत्री फैमिली का, मतलब तीन तीन बार ये लोग मुख्यमंत्री रहे हैं, इनकी माँ भी रही रोहिणी जी की, तो एक संदेश हम लोग देना चाहिए कि वो फैमिली हो के अपने पिता को किडनी दान दी, मतलब घर की, मतलब माँ बेटी को इज्जत देना है। अगर यहाँ लाखों करोड़ की भीड़ लगेगी, अभी दुर्गा पूजा में जो दुर्गा माँ को शक्ति का रूप भी बोला गया कि वहाँ शक्ति की, अगर आपको शक्ति चाहिए तो दुर्गा जी के पास चाहिए, तो अपना शक्ति को बढ़ाना है तो अपनी घर की बहन बेटियों माँ को भी इज्जत देना है। इस चीज़ को हम लोगों ने दर्शाना चाहा कि भैया बेटी दुर्गा से कम नहीं है, और ये भी समय पे आपको बेटों से कहीं आगे काम आ सकती है, इस चीज़ को हम लोगों ने बताया। इस बार ये पूजा पंडाल में कुछ अलग थीम है और ये थीम बहुत अच्छा है, सबको आके इसको देखना चाहिए कि किस प्रकार लड़की भी अपने पिता की मदद कर सकती है, और फिर से लालू जी ने सभी को समाज में एक बराबर दर्जा दिया है, और फिर से किसी को कम या फिर किसी को ज़्यादा का हक नहीं मिले, सबको समान हक मिले, ये भी यहाँ पर दिखाया गया है, और ये बहुत अच्छा इस बार का थीम है, तो ये बहुत अच्छा पंडाल लगा मेरे को। बेटी ने अपने पिताजी को किडनी देकर जान बचाया, उसको लेके क्या कहना? कि मतलब सिर्फ बेटे ही अपने पिता के लिए कुछ नहीं कर सकते, बेटियां भी अपने पिता के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं, तो एक ये भी यहाँ पे एक अच्छा हम लोग को मोटिवेशन है कि सिर्फ बेटी को भी एक अच्छे से पढ़ाना चाहिए ताकि वो आगे जाके अपने पिता की और फिर से समाज की मदद कर सके। नाम बताओ। मेरा नाम श्रुति है। कुछ खास अलग लगा ये पूजा पंडाल या और पंडालों की तरह सामान्य? नहीं, ये सबसे अलग है, हम तो यहाँ पहली बार आए हैं देखने के लिए स्कूल साइड से, बट ये बहुत अच्छा है कि बेटी को आगे मतलब बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, मतलब उससे हम लोग बहुत मोटिवेट होंगे, इससे भी बहुत लोग मोटिवेट होंगे कि मतलब बेटी भी कुछ बहुत कुछ कर सकती है अपने देश के लिए और अपने फैमिली के लिए बहुत अच्छा कर सकती हैं, और लालू जी ने जैसा बताया है कि पिछड़े वर्ग को भी साथ लेके चलना है, और बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है? बबली कुमारी। कि भैया बेटी दुर्गा से कम नहीं है, और ये भी समय पे आपको बेटों से कहीं आगे काम आ सकती है, इस चीज़ को हम लोगों ने बताया है। क्या मैसेज देना चाहेंगे? हम लोग देना चाहें कि बेटी को पढ़ाओ लिखाओ, और घर की बेटी को भी इज्जत देना है कि अगर पढ़ लिखे अगर काबिल होगा तो वो भी आपको समय पर काम आएगी। आज ये 75 साल के बुजुर्ग लालू प्रसाद को ही पता होगा कि जब उनकी बेटी ने उनको किडनी दान देके जान बचाई तो उसको कितना खुशी हुआ होगा, कि पहले लोग बेटी को कितना ये समझते, लेकिन आज बेटी उस लायक हुई जो उसको अपना जान की परवाह के बगैर उनको किडनी दान देके जान बचाई। ये चीज़ को हम लोग बताया चाहे कि घर की भी बहू बेटियां का इज्जत करना है, सिर्फ पत्थर की और मिट्टी की मूर्त को यहाँ देखने के लिए करोड़ों भीड़ नहीं लगाना है, घर की भी बहन बेटियां बहू को भी इज्जत देना है। पिछले कई साल से ऐसे आप करते आ रहे हैं, तो कैसे उमंग माने लालू यादव को अपने भगवान मानते हैं? हाँ मानते ही हैं, मतलब मानने का मुख्य कारण है कि आप लोग देखेंगे कि 90 के दशक में चाहिए पिछड़े लोगों को कोई वैल्यू नहीं मिलता था, लोग बड़े लोग कोई रिस्पेक्ट नहीं देते थे, मतलब साथ बैठने तक नहीं देते थे, तो ये आवाज़ लालू जी ने दिया था जो साथे मतलब कि अच्छा दर्जा के एक साथ तुम लोग बैठो, उस अंतिम व्यक्ति को भी अपने साथ बैठाओ जिसको तुम इस रिस्पेक्ट देते हो, ये अमीर गरीब दलित पिछड़ा को एक मंच में लाने का काम किया, इसी चीज़ को हम लोग इसके बाद भी पूरे फैमिली का आपने बनाया था। हाँ। लालू जी का, तो ये थीम आपको अलग हर बार करता है? हाँ, जिस परिस्थिति अब एक साल होता है तो कुछ घटनाएँ होती हैं ऐसा जो अच्छा लगता है समाज में, तो अगले साल तो नहीं था, तो अभी 2-4 महीने पहले ये वाला बात वाक्या हुआ कि ये बेटी हो के सिंगापुर अपने मतलब ससुराल बुला के पिता को, और वहीं पर अपने किडनी को दान देती है, कम मैसेज बड़ा बात नहीं है, तो इस चीज़ को हम लोगों ने इसमें दिखाया। मोदी जी ने जो है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया है, वो मान लीजिए दिए हैं तो अच्छा ही है, कोई भी बेटी का रिस्पेक्ट अगर वो करते हैं बड़ा तो कुछ गलत किया है इसमें, लेकिन अगर ये भी बेटी है जब से वो मोदी हुआ अच्छे तो वो तो अलग मैटर है, अब पॉलिटिक्स तो है ही कि बीजेपी है तो ये है, लेकिन क्या कहेंगे लालू जी से बात हुई इस बात पे या फिर क्या उनको मैसेज देंगे? मैसेज देना चाहते हैं कि
कि आप स्वस्थ हो गए हैं, समाज की सेवा करें और हमारी जो बेटियां हैं उनको भी रिस्पेक्ट मिले और हम लोग इस तरह से मुख्यमंत्री रहे। तीन बार बिहार के एकीकृत बिहार ये भी था उस समय, झारखंड भी, तो हम लोग दिखाना चाहिए कि बड़े फैमिली हैं तो इनके भी बेटी की है, तो लोगों में ऐसा मैसेज जाए सभी छोटा बड़ा में कि हाँ भाई बेटी को भी पढ़ाओ और रिस्पेक्ट दो, उसको बेटों से कम मत समझो, बेटे तो बहु आएंगे भूल जाएंगे। हाँ अभी मैंने एक महीना पहले मिले थे तो लालू जी ने अच्छा ये किए कि हाँ लड़का मेरा भक्त है, मैंने उनसे मिला था, एक महीना हो रहा है, मैं गया था मैं पटना मिलने।